हेलो चिल्ड्रेन गुड मॉर्निंग आई वेलकम यू ऑन द टी जी एस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म किड्स टुडे इज़ योर मैथ्स टर्न एंड वी विल स्टडी अबाउट मल्टीप्लिकेशन, ओके व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन या जिसे आप मल्टीप्लाई भी कहते हैं तो किड्स आज हम सीखेंगे मल्टीप्लाई करना ओके गेट रेडी विद योर मैथ्स बुक ओपन पेज नंबर सिक्सटी थ्री टेक अ पेंसिल इन योर हैंड एंड वी विल लर्न अबाउट मल्टीप्लीकेशन टूडे नाउ वॉट इज मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है टू एड यानी जोड़ना जैसा कि किट्स आपने प्रीवियस अपनी क्लासेस में एड करना सीखा था ओके एडिशन से ही मल्टीप्लीकेशन होता है कैसे आइए देखते हैं इफ़ यू सी इन द फर्स्ट बॉक्स आप फर्स्ट बॉक्स में देखोगे तो आपको यहाँ पर टू 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 को ऐड किया गया है फ़ाइव टाइम्स और इसको जब हम ऐड करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है टेन के इक्वल टू टॉफ़ीज़ और टू टॉफ़ीज़ और टू टॉफ़ीज़ इसी तरीके से आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव टाइम्स टू 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 टॉफ़ीज़ को अगर आप ऐड करोगे तो टोटल आपके पास कितनी ट्रॉफ़ीस हो जाएंगी टेंट ऑफिस हो जाएंगी राइट सो टू को हमने कितनी टाइम्स ऐड किया वन टू थ्री फोर फाइव हाउ मेनी टाइम्स वी हैव एडेड टू वन टू थ्री फोर फाइव टू एडेड फाइव टाइम्स टू को हमने कितनी बार ऐड किया फाइव टाइम्स ऐड किया तो हमें क्या मिला टेन यानी टू फाइव्स आर टेन दो टू को हम जब फाइव टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है टेन सिमिलरली फाइव को यहाँ देखिए कितने टाइम्स ऐड किया गया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हाउ मनी टाइम्स फाइव इज़ एडिड फाइव एडिड सिक्स टाइम्स यानी जब हमने फ़ाइव को सिक्स टाइम्स ऐड किया तो इसको टोटल हमें क्या मिला थर्टी फाइव सिक्स टाइम्स आर थर्टी सेवन को हमने कितने टाइम्स ऐड किया है वन टू थ्री फोर सेवन को जब हम फोर टाइम्स ऐड करते हैं तो वो इक्वल होता है ट्वेंटी एट के ओके सेवन एडेड फोर टाइम्स नाइन 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 एंड नाइन हमने नाइन को कितनी बार ऐड किया है वन टू थ्री फोर फाइव नाइन फाइव टाइम्स आर फोर्टी फाइव नाइन को फाइव टाइम्स ऐड करने पर हमें मिला फोर्टी फाइव नाइन एडिड फाइव टाइम्स सिमिलरली टेन 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 को हमने कितनी बार ऐड किया है वन टू थ्री फोर दैट मीन्स टेन इज़ एडेड फोर टाइम्स एंड इक्वल्स टू फोर्टी टेन फोर टाइम्स आर फोर्टी थ्री को देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स इट मीन्स थ्री इज एडेड सिक्स टाइम्स जब थ्री को हम सिक्स टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एटीन तो थ्री सिक्स आर एटीन इट मीन्स थ्री एडेड सिक्स टाइम्स इन ईच ऑफ द एवब एडिशन फैक्ट्स द सेम नंबर इज एडेड रिपीटली मैनी टाइम्स एक ही नंबर बार बार ऐड किया जा रहा है बार बार रिपीट किया जा रहा है यानी जिस नंबर को आप जितने टाइम्स रिपीट करते हैं वो उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ठीक है थ्री को यहाँ पर हम सिक्स टाइम्स ऐड कर रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो इसको लिख सकते हैं हम थ्री कितने टाइम्स रिपीट कर रहे हैं सिक्स टाइम्स तो थ्री सिक्स इक्वल कितना आ रहा है एटीन तो ऐसे हमारी टेबल जो है वो फॉर्म होती है ठीक है अब हम थ्री को हम सिक्स टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो एटीन आ रहा है अब इसका अपोजिट देखते हैं नीचे आपको बताया गया है आइए रीड करते हैं देफ ओ वी कैन राइट ईच ऑफ दैम एज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हम जिस नंबर को जितने टाइम्स हम ऐड करते हैं वो उसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बन जाता है यानी टेबल बन जाता है टू को फाइव टाइम्स ऐड किया गया इज़ द सेम एज़ फाइव इंटू टू आइए इस लाइन को समझते हैं यहाँ पर हमने टू को फाइव टाइम्स ऐड किया है देखिए वन टू थ्री फोर एंड फाइव फाइव टाइम्स ऐड किया हमें मिल गया टेन अब इसका अपोजिट कर देते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टू कितनी टाइम्स ऐड किया गया फ़ाइव टाइम्स दैट इज़ इक्वल टू टेन अब अपोजिट करते हैं इसका फ़ाइव को हम टू टाइम्स लिखेंगे ये क्या है नंबर है कितने टाइम्स रिपीट हुआ है फाइव टाइम्स आंसर हमें क्या मिला है टेन अब हम क्या करते हैं फाइव हमको फाइव को हम नंबर बनाते हैं और टू टाइम्स इसको रिपीट करते हैं वन टाइम टू टाइम फाइव और फाइव को जब आप ऐड करोगे तो भी बेबी आपको टेन मिलेगा इट मीन्स चाहे आप टू इंटू फाइव लिखें या फाइव इंटू टू लिखें फाइव इंटू टू लिखें आंसर आपको क्या मिलेगा सेम इट मीन्स फाइव इंटू सिक्स लिखोगे तो भी आपको थर्टी मिलेगा सिक्स इंटू फाइव लिखोगे तो भी आपको थर्टी मिलेगा ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है नाइन को आप फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो भी फोर्टी फाइव होगा और फाइव को अगर नाइन टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो भी फोर्टी फाइव होगा आपने टेबल रन करी है फाइव सिक्स ज़ा थर्टी सिक्स फाइव ज़ा थर्टी नाइन फाइव ज़ा फोर्टी फाइव फाइव नाइन ज़ा फोर्टी फाइव थ्री सिक्स ज़ा एटीन सिक्स थ्री ज़ा एटीन आइए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं टानियो पेज नाउ हेयर टेबल इज गिवेन वन टू फाइव यू हैव टू लर्न दिस टेबल टेबल आपको लर्न करनी है टू वन आर टू हम बेबीज़ जो हैं बहुत गलतियाँ करते हैं प्रोनन्शिएशन में टू वंज़ा टू नहीं होता है टू वन आर टू टू टूज़ आर फोर टू थ्रीज़ आर सिक्स टू फोर आर एट टू फाइव आर टेन टू सिक्स आर ट्वेल्व टू सेवेंस आर फोटीन टू एट्स आर सिक्सटीन टू नाइन्स आर एटीन टू टें आर ट्वेंटी सो चिल्ड्रन आपने यहाँ पर टेबल लर्न किया इसी तरीके से जब हम क्या करते हैं टेबल्स को बहुत फास्ट रीड करते हैं तो आप कैसे रीड करते हैं टू वन ज़ार टू 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 जार फोर टू थ्री जिक्स टू फोर जट नो दिस इज़ रॉन्ग यू हैव टू रीड टू वन जार टू 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 जार फोर टू थ्री जार सिक्स टू फोर ज़ार एट टू फाइव ज़ार टेन टू सिक्स ज़ार ट्वेल्व टू सेवें आर फोटीन टू एट्स आर सिक्सटीन टू नाइन्स आर एटीन टू टें आर ट्वेंटी ओके सो चिल्ड्रेन आपने लर्न किया अभी टेबल ऑफ टू इसी तरह से आपको टेबल ऑफ थ्री लर्न करना है टेबल ऑफ फोर एंड टेबल ऑफ़ फ़ाइव नाउ वी मूव ऑन टू दैक्स एक्सरसाइज सेक्शन पेज नंबर सिक्सटी फाइव ओके कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स यहाँ पर आपको इनकम्प्लीट बॉक्सिस दे रखे हैं जिन्हें आपको क्या करना है कम्प्लीट करना है ये टेबल्स हैं सो हेयर वी हैव टू कम्प्लीट द बॉक्सिस विद द हेल्प ऑफ टेबल ऑफ फोर फोर वनजा फोर यू कैन टेक हेल्प फ्राम दिस साइड टेबल ऑफ़ फोर

टू एट आर सिक्सटीन टू नाइन्र एटीन एंड टू टाइन्स आर ट्वेंटी ओके इसी तरह से आपको बाकी सारी डिजिट्स की भी टेबल आपको यहाँ क्या करनी है फिल करनी है ओके नेक्स्ट मैच विच क्लाउड्स बिलोंग्स टू विच स्टार कौन सा क्लाउड किस स्टार को बिलोंग करता है करेक्ट स्टार से आपको क्या करना है मैच करना है फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट क्लाउड फाइव इंटू फाइव 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 जार आपने टेबल लर्न की है फाइव की तो फाइव फाइव जार कितना होता है ट्वेंटी फाइव तो वी विल मैच फाइव फाइव जार ट्वेंटी फाइव इन द नेक्स्ट क्लाउड थ्री इंटू सेवन थ्री सेवन जार ट्वेंटी वन ओके मल्टीप्लीकेशन का सिंबल क्या होता है ये क्रॉस इसे बोलते हैं हम सिंबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन फोर सिक्स आर ट्वेंटी फोर And two nines are 18. Okay. Again, turn your page. In the next page, you have given tables from 6 to 10. So, you have table of 6, table of 7, table of 8, table of 9, and table of 10. Okay. In the class LKG, you have to learn table 2 to 5, but exercises include table 2 to 10. तो धीरे धीरे आप टाइम के साथ टेबल्स को लर्न करते जाएं, दिस इज़ अ गुड थिंग ओके नाउ टर्न टू पेज नंबर 67. इन द पेज नंबर 67, वी हैव मल्टीप्लिकेशन चार्ट टेबल्स वन टू टेन अब अभी तक आपने टेबल्स जो हैं वो सेपरेट पढ़ी थी है ना लुक लाइक इन दिस पेज वी हैव सेपरेट टेबल्स ऑफ सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन बट इन दिस पेज वी हैव अ टेबल चार्ट यानी ये जो चार्ट है इसमें आप टू से ले कर टेन तक की सारी टेबल्स को एक बार में ही रीड कर सकते हैं कैसे आप जिस डिजिट को पढ़ रहे हैं उसके जस्ट सामने वाले डिजिट से जब आप इसको कॉलम और रो को मैच करोगे देखिए कॉलम्स क्या होते हैं द वर्टिकल सेक्शन आर कॉलम्स एंड हॉरिजेंटल सेक्शन आर रो ये जो आप स्ट्रेट लेटी हुई लाइन है इनको हम क्या बोलेंगे रो और जो स्टैंडिंग बॉक्सेज आपको दिख रहे हैं इनको हम बोलेंगे कॉलम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको टू का टेबल इससे स्टडी करना है तो आप क्या करोगे टू को वन के साथ मैच कराओगे टू वन जार टू 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 जार फोर टू थ्री जार सिक्स टू फोर जार एट टू फाइव ज़ार टेन टू सिक्स ज़ार ट्वेल्व टू सेवन ज़ार फोर्टीन यानी जो भी टेबल आपको लर्न करनी है आप उसके सामने रो और कॉलम को सिमिलर पॉइंट पे मैच कराओगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा आइए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं समझेंगे कैसे जैसे ये एक्सरसाइज आप कैसे सॉल्व करोगे फाइव का टेबल आपको कितने टाइम्स रीड करना है टेन टाइम्स फाइव टेन जार फिफ्टी फ़ाइव का टेबल आपको कितने टाइम्स रेड करना है टू टाइम्स फ़ाइव वन जा फाइव फाइव टू ज़ा टेन तो वी विल राइट हेयर टेन फाइव फाइव जार ट्वेंटी फाइव ओके अब ये हमने लाइन कंप्लीट कर ली नाउ वी मूव टू नेक्स्ट लाइन अब टू का टेबल आपको टेन टाइम्स रेड करना है टू टेन ज़ार ट्वेंटी टू टू ज़ार फोर एंड is already written here. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट लाइन 10, 10 का टेबल आपको कितने टाइम्स रीड करना है 10 टाइम्स तो 10, टेन are 100. 10, टू are 20. 10, फाइव आर 50. अंडरस्टूड kids? तो so, इस तरह से आपको जो भी टेबल करना है आपको सामने वाले रो में जो डिजिट्स दे रखी हैं उतने टाइम्स टेबल को रीड करके आंसर लिखना है इसी तरह से नेक्स्ट बॉक्स को देखेंगे नाइन फोर जार थर्टी सिक्स नाइन सेवन जार सिक्सटी थ्री नाइन नाइन ज़ार वन इसी तरह से आप फोर का टेबल यहाँ पर इतने डिजिट्स के टाइम्स रीड करोगे सेवन का टेबल भी इतने डिजिट के टाइम्स रीड करोगे सिमिलरली इस बॉक्स को भी आप इसी तरह से फिल करेंगे ओके चिल्ड्रन एज़ यू आर इन क्लास एल के जी सो इन द नेक्स्ट पेज tables 11 to 15s are given but you don't have to learn them you will learn them when you are in class ukg and first to abhi aapko kya karna hai in tables ki chart ki help se is exercise ko hum solve karenge okay match the following tables aapko de rakhe hain aur yahan par inka total de rakha hai आपको इन्हें match करना है अभी तो आप बहुत छोटे हैं 13 का table आपको नहीं learn है तो आप टेबल की हेल्प से इस चार्ट की हेल्प से आप आंसर्स को फिल करोगे जैसे थर्टीन इंटू थ्री तो यहाँ थर्टीन इंटू थ्री देखोगे आप इज इक्व टू थर्टी नाइन आंसर आप फिल कर दोगे सर्च करोगे यहाँ पर थर्टी नाइन कहाँ इन द बॉटम सो यू विल मैच थर्टी थ्री ज़ार थर्टी नाइन ओके फिफ्टीन फोर ज़ार सिक्सटी इलेवन थ्री ज़ार थर्टी थ्री ट्वेल्व एट्स आर नाइनटी सिक्स थर्टीन सेवन जार नाइंटी वन एंड फोर्टीन सिक्स आर एटी फोर ओके तो यू हैव टू लर्न प्रॉपर् टेबल टू टू फाइव फिल द एक्सरसाइज अपर सिक्सटी नाइन ओके सिमिलरली टेबल आप नेक्स्ट पेज पर जब आओगे तो आपको टेबल्स दे रखी हैं सिक्सटीन से ट्वेंटी तक की अभी आपको इतनी टेबल्स लर्न नहीं होगी पर यू हैव टू फिल द एक्सरसाइज तो so, आप इस टेबल की चार्ट की मदद से एक्सरसाइजेस को फ़िल करोगे यहाँ पर आपको पता करना है कि 16 का टेबल हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि हमें 48 मिले तो 16 का टेबल आप चेक करोगे 16 के टेबल में आप देखोगे 48 एट यहाँ पर है कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है थ्री टाइम्स तो आप यहाँ पर क्या फ़िल कर दोगे सिक्सटीन थ्रीजा फोर्टी नेक्स्ट सेवनटीन को देखोगे वन कितने टाइम्स वन होता है तो सेवेंटीन के टेबल को चेक करोगे वन हंड्रेड टू सिक्स टाइम तो सेवनटीन सिक्सा वन हंड्रेड टू इसी तरह से नीचे की एक्सरसाइजेस को भी आप टेबल की हेल्प से देख कर फिल करोगे ओके सो फ्राम टूडे ऑनवर्ड्स योर क्लास इज़ कम्प्लीट एंड योर सलेबस इज़ ऑल्सो कम्प्लीट इन मैथ्स बुक एंड नोट बुक यू हैव टू प्रिपेयर द थिंग्स वेरी वेल इसके अलावा डेज ऑफ द वीक आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है ई वी एस में भी पढ़ा है आपको यहाँ पर स्पेलिंग्स लर्न होनी चाहिए फर्स्ट डे हमारा क्या होता है संडे सेकेंड डे वीक में हमारा क्या होता है मंडे थर्ड डे हमारा क्या होता है ट्यूसडे सो यू हैव टू लर्न द पोजिशन ओके ऑर्डर आपको लर्न करना है आपसे कोई पूछेगा वीक का फर्स्ट डे कौन होता है आपको बताना है संडे सेकेंड डे कौन सा होता है मंडे तो आपको ये सीक्वेंस में लर्न करने हैं सिमिलरली वन ईयर में ट्वेल्व मंथ्स होते हैं तो फर्स्ट मंथ हमारा कौन सा होता है जनवरी सेकेंड मंथ हमारा कौन सा होता है फेबररी थर्ड मंथ हमारा कौन सा होता है मार्च तो यू हैव टू लर्न द मंथ नेम विद स्पेलिंग एंड यू ऑल्सो नो द ऑर्डर एंड पोजिशन कि किस मंथ पे हमारा कौन सा पोजिशन आता है फॉर एग्जाम्पल एट्थ मंथ की अगर मैं बात करूँ कि एट्थ मंथ हमारा कौन सा होता है तो आप तुरंत फिंगर्स पे काउंट करके बताएंगे कि अगस्त इज़ द एट मंथ यर हिंदी नेम्स आर गिविन यू शुड ऑल्सो नो दैम हिन्दी में आपने मम्मा को कई बार uh, कहते सुना होगा चैत्र का महीना चल रहा है वैसाख का महीना चल रहा है सो यू कैन लर्न द हिंदी नेम्स फ्राम यूर फैमिली मेम्बर्स सिमिलरली डेज इन दिंदी आर नोन एज रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार तो दिस दिस इज़ जस्ट अ जनरल रीडिंग यू शुड लर्न दीज थिंग्स फ्राम योर पेरेंट्स एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आज के दिन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं टुडे प्रेजेंट डे इज कॉल्ड टुडे कल आने वाले दिन को हम क्या कहते हैं टुमोरो और जो कल दिन हमारा बीत चुका है उसे हम क्या कहते हैं येस्टरडे सो यू शुड लर्न कि आज के डे को हम टुडे कहते हैं आने वाले कल को हम टमोरो कहते हैं और जो दिन जा चुका है हमारा कल उसे हम कहते हैं येस्टरडे सो किट्स फ्राम टुडे योर मैथ सब्जेक्ट इज कम्प्लीट यू हैव टू लर्न द थिंग्स वेरी वेल फिल योर कंप्लीट बुक जितना भी पिछला आपका वर्क है आप उसको कंप्लीट कीजिए रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट टाइम से आपका रिविजन वर्क जो है वो आपके साथ मैथ्स की नोटबुक में जाएगा टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड फैमिली वन थैंक यू एवरी वन गुड डे